सो वी स्टार्टेड विद व्हाट, हमने nth टर्म कर लिया है राइट. आई थिंक सबको अब nth टर्म में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ऑलरेडी हमने nth टर्म डिस्कस करके पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ सम के ऊपर काम किया था राइट. तो एक बार क्विक रिवीजन, व्हाट इज Sn? तो Sn यहाँ पे हमारा मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी राइट. अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 टिल an. फिर हम अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता था n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब अगर हमको nth टर्म पता होता है तो a प्लस an हमारा फॉर्मूला हो जाता था राइट. इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में 1.25 घंटे क्वेश्चन ही सॉल्व किए हुए हैं और अब हम उसी का डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए बताइए फिर मेरे को यहाँ पे कहाँ दिक्कत हुई है एनसीईआरटी में. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले बताओ 1, 2, 3 में कहीं प्रॉब्लम है, फिर आगे का बताना. 1, 2, 3 आपको स्क्रीन पे जो ये दिख रहे हैं इनमें से कोई दिक्कत? क्या इसके सारे क्वेश्चन बन गए थे? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 सब क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 सब क्वेश्चन है, सारे हो गए थे? पीयूष ने पूछा 3 का 8, ठीक है. तो पीयूष 3 का 8 में हमें हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारे पास a की वैल्यू है, an की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 2 और sn की वैल्यू है -14 है ना. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 5.3, 3 का 8. तो पीयूष यहां पे आपके पास an का वैल्यू दिया हुआ है 4, d का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंड sn का वैल्यू दिया हुआ है -14 राइट. अब अगर हम यहां पे थोड़ा सा इसको क्या क्या फॉर्मूलाज लग सकते हैं, तो क्योंकि मेरे पास Sn दिया हुआ है, An भी है, तो एक छोटी सी चीज जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा Sn किसके बराबर होगा, n/2 a प्लस an. ये तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे लगाओगे डेफिनेटली. गाइज क्या मेरी आवाज आप सबको क्लियरली आ रही है? Am I audible? Yes. पीयूष सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही है तो आपके वहां पे इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है? बिकॉज सबको चैट में यस लिख रहे हैं. ओके तो अब सेकेंड थिंग, ये तो पहला हो गया, ये पहला हो गया. उसके बाद अब हम an की वैल्यू यहां पे डाल देंगे, एन की वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस 4, ए प्लस 4 इज इक्वल टू -14. तो अब हमने देख सकते हो कि हमारे पास जो इक्वेशन है, अभी हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है, ए के फॉर्म में है और एन के फॉर्म्स में. तो अभी इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो और आ जाओ अब nth टर्म के ऊपर, ठीक है, an के ऊपर आ जाओ. इसकी अगर बात करें तो यहां अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन इन टू डी. देखो नॉर्मली क्या करेंगे, हमारे पास हमने देखा Sn, Sn में मैंने फॉर्मूला बैठाया, फॉर्मूला बैठा के वैल्यू डाल दिया. अब मेरे को दिख रहा है कि यार ना ही मुझे n पता है ना ही मुझे a पता है, तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं फिलहाल वहीं पे रुक गया. अब मैं बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ गया, बाकी इन्फॉर्मेशन में मेरे पास an है, an का फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, इसकी वैल्यू हो गई 4. अब यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो a प्लस एन माइनस वन इन टू 2 बराबर 4 हो गया राइट. यहां से अगर आप देखोगे तो हमारे पास अब आप कह सकते हो कि a का अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4 निकल कर आया. तो अगर आप अब इस इक्वेशन को देखते हो और उस इक्वेशन को देखते हो, दोनों इक्वेशन में आपको एक ही सिमिलैरिटी मिलेगी. वो सिमिलैरिटी क्या है कि पहला वाला इक्वेशन भी में वेरिएबल था a और n, दूसरा वाला इक्वेशन में भी वेरिएबल है a और n.
तो कहीं ना कहीं हम अगर एलिमिनेशन मेथड का फंडा लगा ले तो शायद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा आसान करने के लिए अपना काम, क्योंकि वहां पे वो सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां से क्यों ना फिर हम ए की वैल्यू निकाल दें। ए की वैल्यू अगर निकालते हो यहां से तो क्या निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आएगा 6 - 2n। ये हमने वैल्यू को निकाला, इसको मार्क कर लिया 2, उसको 1 मार्क किया था, इसको 2 मार्क किया। अब आपका अगला काम क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 2 in 1। तो 2 से अगर हम इक्वेशन के वैल्यू को निकाल कर 1 में अगर पुट करते हैं तो 2 में हमने बोला a बराबर 6 - 2n, तो बस आप वहां पे a की वैल्यू को पुट कर दो। a की वैल्यू को अगर पुट कर दोगे तो ये n/2, यहाँ पे a प्लस 4 है तो a के जगह पे वो बन जाएगा 6 - 2n + 4, दिस इज इक्वल टू -14। अब यहां पे हम अंदर सॉल्व करेंगे तो n/2 अंदर बन रहा है मेरा 10 - 2n। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, बस इसके आगे मेरे ख्याल से मुझे करने की जरूरत नहीं है, इट्स क्लियरली अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक को आगे सॉल्व कर लेना। राइट पीयूष, हो जाएगा, ग्रेट। सो आइडिया क्या था पीयूष, कुछ आइडिया नहीं हमने बस Sn का फॉर्मूला लगाया, देखा a और n के टर्म्स में आ रहा है, हम बोले कि आगे तो बढ़ा नहीं जा रहा है, तो हम फिर an पे आ गए, an का फॉर्मूला लगाया, d की वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से मुझे फिर से इक्वेशन मिला a और n के टर्म्स में। अब दोनों जगह हम सेम टाइप के इक्वेशन में फंस गए जहां पे a और n था, तो हमने सोचा क्यों ना एक जगह से a की वैल्यू निकाल कर दूसरे जगह में पुट कर दे, क्यों ना एक जगह से a की वैल्यू निकाल कर दूसरे जगह में पुट कर दे। कोई डाउट है क्या किसी को, अगर डाउट है तो एक बार हैंड रेस करो, कोई डाउट है किसी को तो हैंड रेस करे एक बार। Any doubts? चलिए, so next question, कहाँ गया अपना NCERT? हाँ, तो 3 में ये हो गया, अब आते हैं 4 में। 4 से लेके 10 तक में बताओ क्या डाउट है, 4 से लेके 10 तक में क्या डाउट है? कुछ क्वेश्चन तो हमने पिछले क्लास में ही कर लिया था, 4 में दिक्कत है। How many terms must be taken to give a sum of 636? Right? Question number 4 कह रहा है, how many terms of the AP 9, 17, 25... must be taken to give a sum of 636? तो question इतना ही पूछ रहा है कि इस AP के कितने terms को जोड़ने के बाद 636 आएगा? So 9, question के मुताबिक 9 + 17 + 25 + ... मान लेते कितने terms, up to n terms, है ना? जब भी सवाल होता है कितने terms, तो n terms की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये up to n terms करना add होकर 636 बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे बताइए, सबसे पहले it is an AP, right? ये कैसा AP है जिसका first term है 9 और जिसका common difference कितना होगा, कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 17 - 9 हो गया 8, इतना तो कर लोगे। नाउ अब बताइए सम ऑफ एन टर्म्स का, इधर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, n/2 twice a, a का वैल्यू रखिए 9, प्लस n-1 into d, हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 8, उसको यहाँ पे रख दो, तो सेम कहीं ना कहीं पिछले वाला इक्वेशन जैसा ही निकल रहा है क्या, n/2 (18) 9 into 2 = 18, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, तो 8n - 8 = 636। अब अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर उसे सिंपलीफाई करोगे तो 18 - 8 becomes 10, 10 + 8n = 636, एग्जैक्ट पिछले वाला जैसा बन गया। ब्रैकेट अब ओपन करोगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक एंड यू गेट द आंसर। डू आई नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, कंगना सॉल्व किए थे आंसर नहीं आया या यहीं पे फंसे हुए थे? लोग कह रहे हैं कि n का वैल्यू 12, क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम है। अच्छा, सो एक काम कर सकते हैं क्या,
हम ये बोल सकते हैं कि टू हम अगर कैंसिल करें तो ये फाइव आ जाएगा और यहाँ पे फोर आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा n टाइम्स ऑफ 5 + 4n इज इक्वल टू 636। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 4n² + 5n, और 636 को भी राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ इज इक्वल टू 0। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब मान लो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो मुझे लगता है फैक्टराइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम फिर वैल्यूज निकाल लें। फैक्टराइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो क्यों ना हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 4ac, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, सो 4 × 4 × 636 होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। सो अब देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है, दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, तो क्या कीजिए कि रूट से बाहर कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा, तो वी विल हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन। कह सकते हो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, तो 636 × 16 करेंगे, 6 × 36 कैरी 3, 18, 21, 27 कैरी 2, 38, 41, 1 कैरी 4, तो ये 10176 आया। अब 10176 में पच्चीस को ऐड करना है, 10176 में 25 को ऐड कर दो, 19, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है क्या, सॉरी, तो 10201, तो रूट के अंदर ये बन गया 10201। अब देखिए इसको सिंपल सा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि n हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n अगर हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता मतलब ये डेफिनेटली 110% ये आपका रूट से बाहर निकलेगा, ये आपका रूट से बाहर निकलेगा। अब देखिए मुझे तो वैसे ट्रिक पता है, तो मुझे दिख रहा है कि ये 101 का स्क्वायर होगा, बट अगर आप इसको स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो और अगर आपको याद है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप यहाँ पे उस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर लो, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर तो होगा नहीं एग्जाम में हमारे पास, है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 10201। ठीक है, देखिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो किया, क्वेश्चन आ गया 101, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये 101 का वो हो गया। ठीक है, तो माइनस 5 प्लस माइनस 101/8। अब देखिए माइनस वाला तो केस लेके फायदा नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, तो हम प्लस वाला केस लेंगे, माइनस 5 प्लस 101/8, 105 में अगर 9 ऐड करोगे तो 5 ऐड, 101 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 96 upon 8 हो गया 12, तो n का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, दिव्यांशु ने फैक्टराइज किया हुआ था, दिव्यांशु कह रहा है कि फैक्टराइज करके 53 और 48 आएगा, तो यहाँ पे भी अगर आप इसको अगर फर्दर आगे करते तो n 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। I hope this is clear now. Quadratic formula था आपके पास, factorization था, दोनों में से कोई एक कर सकते थे। थोड़ा सा typical calculation आने वाला था because of bigger values, but it's completely fine. चलो value ये रहा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो गई होगी आपसे, value तो यहाँ से मुझे दिख भी रहा है 12 निकलते हुए 48/4। Okay, चलो, so next. अगला डाउट क्या है,
आफ्टर फोर क्वेश्चन नंबर 18, 18 से पहले गाइस 4 टू 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में अगर किसी का डाउट है तो बताए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4 से 10 के बीच में अगर कोई डाउट है तो बताए। 11, ठीक है, 4 से 10 के बीच में कोई मैसेज नहीं आए तो सीधा आप 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 को मार्क कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, सो उसका पहला टर्म क्या होगा, उसका पहला दो टर्म्स का सम क्या होगा, उसका सेकेंड टर्म क्या होगा, एंड ठीक उसी तरीके से थर्ड टर्म, टेंथ एंड nth टर्म के बारे में पूछ रहा है। ओके, 4n माइनस n स्क्वायर, एक यहां पे चीज भी आएगी जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, SN का मतलब क्या होता है। आयुष एक बार अनम्यूट करना, यस सर। आयुष, SN का मतलब क्या होता है? सर N का वैल्यू, सर जो N का वैल्यू, SN का मतलब क्या होता है? अभी हम सम ऑफ एपी के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं तो SN क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता है? अभी सब भूल गए। भूल गए हो तो क्लास में क्यों हो? जहां तक मुझे याद है पिछली क्लास तुमने की नहीं है, और ये जो क्लास है वो पिछले दो क्लास पहले हमने सम ऑफ एपी शुरू किया है, और आज हम होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं। बैठ के एकदम कुछ नहीं कर रहे होगे, ना ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जब आप SN का मतलब नहीं पता चल रहा है तो आपको एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपसे, ठीक है? तो जाकर पढ़ाई करो, मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा। दिव्यांशु कुमार अनम्यूट। डी किशोर राइट, अनम्यूट करना। दिव्यांशु कुमार अनम्यूट कीजिएगा। ये तो खाएगा अच्छे से, निकल गया ऑलरेडी। अभी से ये नहीं पता कि मैंने वेटिंग रूम ऑन कर दिया है, और अभी जो 2 मिनट बाद आने की कोशिश करेगा तब ये वेटिंग में देखेगा इसको। ओके तरन, SN क्या होता है? सर सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स राइट, तो कहने के लिए ये कह सकते हैं कि आप पहला टर्म से लेके nth टर्म तक का एडिशन। यस सर। ठीक है, तो A1 से लेके AN टर्म्स तक का एडिशन होता है, और अगर टर्न में वहां पे SN माइनस 1 कर दो, अब इसका मतलब क्या होगा? सर SN माइनस, सर जो लास्ट टर्म है उससे एक टर्म पहले का जितना सम होगा। हाँ, तो मतलब ये A1 आएगा, A2 आएगा, और ये कहां तक जाएगा आखिरी टर्म, इसके लिए क्या होगा? AN माइनस 1 राइट। तो करण yes, एक सिंपल सी चीज अगर मैं पूछूं, अब ठीक है S5 का मतलब बताओ आप। चलो ठीक है, आपसे बहुत हो गया, अब थोड़ा किसी और को पार्टिसिपेट करवाते हैं। करिश्मा थोड़ा मोड़ा पढ़े हो क्या SN के बारे में? नो सर। बिल्कुल नहीं पढ़े हो, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, बिकॉज आज कह सकते हो कि आज हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के एंडिंग पे आ जाएंगे, क्लास के एंड में, ठीक है? ओके सर। देवेश। Yes, sir. S5 का मतलब क्या होता है? अगर S5 लिखा होता, सर sum of first 5 and 2. मतलब हिंदी में हम ये कह सकते हैं पहले 5 टर्म्स का एडिशन। S4 का मतलब क्या होगा? Sum of first 4 टर्म। राइट। अगर हाँ पहले 4 टर्म्स का एडिशन, तो अगर दिवेश मैं बोलूं कि S5 में से अगर हम S4 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा? S1.
नहीं गलत, एस फाइव का मतलब है पहले पांच टर्म, एस फोर का मतलब है पहला चार टर्म, तो पहला पांच टर्म का एडिशन में से अगर हम पहले चार टर्म के एडिशन को हटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, सोच के बताइए। कॉपी में लिखो, स्टूडेंट्स ये सबको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं S5, S5 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, S4 का मतलब क्या होगा, तो बी इट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो आप खुद ही देख के बता सकते हो ना कि अगर हम S5 माइनस S4 कर रहे हैं, S5 माइनस S4 कर रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा सर, 25। हाय 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 दिवेश, ये सर S5 माइनस S4। हाँ सर, हम जोर दिए थे सर। जोर के भी 25 तो नहीं आएगा किसी भी हिसाब से। मैं ये क्वेश्चन को भूलने के लिए कह रहा हूँ, आप इसको तो भूल जाओ, क्वेश्चन को देखना। S5 का, S5 का 5 into 1 plus 5 by 2। नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, आपको मैं कह रहा हूँ कि खाली इतना देखो, ये जो सामने दिख रहा है आपको खाली इसके बेसिस पे आंसर करो कि क्या बचेगा यार। S5 में से S4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? A5 बचा ना, exactly। मैं बस उतना ही तो पूछ रहा हूँ, लॉजिकल चीज पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि पहले पांच टर्म्स में से, पहले पांच नंबर के एडिशन में से अगर हम पहले चार नंबर के एडिशन को हटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, पांचवा टर्म बचेगा। अगर yes. मैं S10 में से S9 माइनस कर देता तो पहले 10 टर्म में से पहले 9 टर्म्स को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 10वां टर्म बचेगा। अगर मैं S20 में से S19 को माइनस कर दूं या S18 को माइनस कर दूं, सोचिए S20 में से अगर मैं S18 को माइनस करता हूं, S20 का मतलब हुआ पहले 20 टर्म्स का एडिशन, S19 का मतलब हुआ पहले, S18 का मतलब हुआ पहले 18 टर्म का एडिशन, तो पहले 20 में से अगर पहले 18 हटा दिया तो क्या बचा आपके पास, 19वां टर्म और 20वां टर्म ही तो बचेगा ना, 19th टर्म एंड 20th टर्म ही तो बचेगा। आ रही है बात समझ में? अब इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाइए, अगर मैं Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर दूं, अगर मैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हम अगर S5 में से S4 को माइनस करें तो हमारे पास A5 आया, अगर हम S10 में से S9 को माइनस किए तो हमारे पास A10 आया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिमिलरली अगर हम Sn में से S of n माइनस 1 हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास nth टर्म आएगा, सोच के बताओ सबको। Sn का मतलब क्या है, पहला टर्म से लेके nth टर्म तक का एडिशन, Sn माइनस 1 का मतलब क्या होगा, पहला टर्म से लेके en माइनस 1 टर्म तक का एडिशन। तो जब आप Sn में से Sn माइनस 1 को घटाओगे तो पूरा Sn निकल जाएगा, बस बचेगा क्या, लास्ट वाला टर्म Sn में जो कि an होगा वो ही बचेगा। आ रही है बात समझ में, किसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज बताओ, इसको रिलेट करो तो इसको रिलेट करो, यहां पे अगर आप n की वैल्यू 5 रखते हो तो देखो S5 minus S of 5 minus 1 S4, तो S5 minus S4 A5 हो गया। यहां पे अगर आप n का वैल्यू 10 रखते हो तो S10 minus S9 A10 हो रहा है ना, देखिए मैं यहां पे अच्छे से लिख रहा हूं, Sn का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 चल रहा है कहां तक, An माइनस 2 प्लस An माइनस 1 प्लस An,
मानते हो कि नहीं कि जब हम SN का एडिशन करेंगे तो A1, A2, A3, A4, A5 आखिरी अगर आखिरी टर्म AN होगा तो उससे पहला वाला टर्म AN-1 होगा और उससे पहले वाला टर्म AN-2 होगा। तो SN तो कहीं ना कहीं ये होगा हमारा, पहले N टर्म्स का एडिशन ये होने वाला है। अब अगर आप S ऑफ N-1 की बात करें, S ऑफ N-1 का मतलब क्या होगा, पहले N-1 टर्म्स का एडिशन। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 चल रहा है A of N-2 प्लस A of N-1, ये यहीं पे आके रुक जाएगा क्योंकि अब मेरा S of N-1 है, जबकि वो ऊपर क्या था, S of N था। तो जब आप माइनस करोगे, जब आप यहाँ पे SN में से S of N-1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा ये टर्म हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ऐसे यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे सारे हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, लास्ट में क्या बचा, सिर्फ AN बचेगा। अब समझ में आ रहा है पीयूष, निहारिका अब समझ में आ रहा है? अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बचना चाहिए फिर, कहीं ना कहीं SN-1 पूरा का पूरा SN में तो है ही, वहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया AN। पीयूष समझ में आ रहा है? तो यहां पे AN होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे जब आप N की वैल्यू 5 रखते हो, यहीं पे जब आप N की वैल्यू 5 रखते हो तो देखो क्या बन रही है, S5 minus S4 is equal to A5, S5 minus S4 is equal to A5, है ना। अभी आप लोगों से पूछा भी था कि पांचवे टर्म में से S5 में से S4 को माइनस करोगे तो आपने बताया था A5। देखो ये फॉर्मूला में भी परफेक्टली फिट बैठ रहा है, N की जगह पे 5 रख दो। फिर मैंने आपसे पूछा था कि S10 में से अगर S9 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, आपने A10 बोला था, N की वैल्यू एक बार 10 रख के देखो यहाँ पे, तो यहाँ S10 हो जाएगा और यहाँ पे S of 10-1 मतलब S9, तो ये कितना हो गया A10। तो फॉर्मूला परफेक्टली फिट बैठ रहा है, वो फॉर्मूला परफेक्टली फिट बैठ रहा है। पीयूष इज इट ओके नाउ? दिव्यांशु कुमार अनम्यूट कीजिएगा, वेटिंग रूम ऑन रखा था, मुझे पता था आप 2 मिनट बाद वापस आओगे, सबको बोला भी था यहाँ पे, अनम्यूट करना। अनम्यूट नहीं करोगे या तो खुद निकलोगे या मैं निकालूंगा, बट बिना आपके रिस्पॉन्स के यू विल नॉट बी हियर फॉर श्योर, नॉट इन माई मैथ्स क्लास एट लीस्ट। विल यू अनम्यूट? करेगा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई किया नहीं है ना, घर वाले को फोन करना पड़ेगा, क्लास के बाद ही करता हूं। चलो, तो दिव्यांशु कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपके आपके वहां से, इसलिए आपको रिमूव कर रहा हूं क्लास से, घर पे फोन भी जाएगा, टेंशन नहीं है। सो एंड पीयूष क्या हो गया, सवाल पूछे हो फिर यस नो भी नहीं कर रहे हो, ओके। सो यही फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा मेरा वो क्वेश्चन डिपेंडेंट है, बिकॉज अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास SN दिया हुआ था, SN का वैल्यू दिया हुआ था 4N minus N square। अब अगर हमारे पास SN का वैल्यू है 4N minus N square तो हमारा S of N-1 क्या हो जाएगा, तो N के जगह N-1 रखोगे ना, ध्यान से देखो, N के जगह N-1 आ गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4N-4, यहां पे A-B का होल स्क्वायर लगाओगे तो A² + B - B² गाइस क्या किया हूं मैं, मैंने SN वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो N के जगह बस N-1 रखा तो मुझे S of N-1 मिलेगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करने से 4N-4 - N² - 1 + 2N आएगा, तो 4N + 2N हो गया 6N,
माइनस फोर माइनस वन हो गया माइनस फाइव और ये माइनस एन स्क्वायर, तो हमारे पास एस ऑफ एन माइनस वन भी आ गया। सो देयरफॉर अब हम ए एन की बात करेंगे। ए एन क्या है? एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। तो जो ऊपर एस एन का वैल्यू दिख रहा है और जो अभी हमने एस ऑफ एन माइनस वन निकाला है उसको यहाँ पे पुट कीजिए, उसको यहाँ पे पुट कीजिए। तो एस ऑफ एन माइन एस ऑफ एन हमने निकाला है फोर एन माइनस एन स्क्वायर और ये है हमारा सिक्स एन माइनस फाइव माइनस एन स्क्वायर। तो फाइनली जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 4n माइनस 6n हो जाएगा माइनस 2n, n स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 5 हो गया प्लस 5। बोलो ये समझ में आया है? बिकॉज यही हमारा मेन थ्रस्ट है। चेक करो कहां पे आपको नहीं समझ में आया। sn दिया हुआ था, n की जगह n माइनस 1 रखा तो s ऑफ n माइनस 1 आ गया। अब फिर वो फॉर्मूला जो आपको एक्सप्लेन किया an वाला उसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अब मेरे पास फाइनली an आ गया। ठीक है, मेरे पास फाइनली an आ गया। निहारी का ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन कीजिए। जिन जिन को ये दिक्कत हो रही है एक बार ब्रैकेट ओपन करके देखो। आप देख सकते हो कि 6n के आगे माइनस है, वहां पे 4n था तो 4n माइनस 6n माइनस 2n होगा। यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर था, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कट जाएगा। फिर 5 के आगे माइनस था, ब्रैकेट ओपन करोगे एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? If it is clear, then now we can solve the question. Because अब आपसे question है, क्या पूछा है? आपको question है a1 पूछा था। a1 के लिए क्या करोगे? n के जगह पे 1 रखोगे। तो minus 2 into 1 plus 5, तो ये हो गया plus 3। फिर आप a2 निकालोगे। a2 क्या होगा? n के जगह पे 2 रखोगे। तो minus 4 plus 5 कितना हो गया? Plus 1। फिर आपसे क्वेश्चन है a3 पूछा था, तो n के जगह पे 3 रखोगे तो ये हो गया आपका माइनस 1। फिर आपसे क्वेश्चन है a5 पूछा था, a10 पूछा था, तो इस तरीके से n की वैल्यू डाल डालकर आपका आंसर निकल आएगा। दिव्यांशु एट द एंड ऑफ द क्लास आप ट्रिग्नोमेट्री का अपना डाउट पूछ लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 डन। नाउ After 11 बताइए अगला किस में दिक्कत हुआ है? 11 के बाद नेक्स्ट किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, पीयूष अनम्यूट करना। यस सर। हाँ पीयूष, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? सर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहला मल्टीपल क्या होगा 8 का? 16। वाह, 8 वन 8 नहीं होता है सर, मतलब 8 फिर 16 फिर 24। हाँ, तो आपका पहला मल्टीपल 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 24 हो गया, इससे करते करते आखिरी मल्टीपल क्या होगा? आखिरी मल्टीपल आपका 15 × 8। यस सर, 120। तो आपके पास तो एपी निकल कर आ गया क्योंकि ये तो एक एपी है। यस सर। अब इस एपी का आपको क्वेश्चन है सम निकालने के लिए दिया, तो हम क्या लगाएंगे? n by 2। यहां तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 120। हो गया कैलकुलेट, 128 है, 2 से डिवाइड करोगे 64 होगा, 15 × 64 640, 320, 960 हो गया, खत्म है। आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे क्यों फंसे हो? सर 8 को कॉमन लेना था, नहीं चला। 8 को कॉमन ले नहीं भी लोगे तो भी चलेगा ना, एपी है ये, एपी का ये पहला टर्म है, ये आखिरी टर्म है और कॉमन डिफरेंस भी 8 है। समझ, एसएन का फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला लगा लो, एसएन इज इक्वल टू एन बाय 2, ए प्लस एन भी लगा सकते हो क्योंकि हमारे को आखिरी टर्म भी पता है,
या फिर अगर आप ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाते तो भी आपको सॉल्व हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 15 रखोगे, क्वेश्चन में 15 मल्टीपल बोला तो एन का वैल्यू 15 रखोगे, ए हमारा पहला टर्म है वो भी 8 है और डी भी हमारा यहाँ पे 8 होगा। ओके सर। नेक्स्ट अंकित, पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़े हुए कुछ दिन से, अच्छा नहीं नहीं चलो मेरे को पता है। अंकित देखो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50, तो 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे हमको उनको ऐड करना है। पहला ऑड नंबर बनेगा 1, अगला ऑड नंबर बनेगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, ये इस तरीके से आगे चलते रहेगा और आपका 47 आएगा, फिर उसके बाद 49, 49 पे रुक जाओगे क्योंकि अगला ऑड नंबर 49 के बाद आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला टर्म आ गया, हमारे पास आखिरी टर्म आ गया। अब आपको क्या करना था यहाँ पे, बस इतना बता सकोगे कि 49 कौन सा वाला ऑड टर्म है, 1 हमारा पहला ऑड नंबर है तो 49 हमारा कौन सा ऑड नंबर है, क्या ये पता है? ये 25वां ऑड नंबर होता है क्योंकि 1 से लेके 50 तक पहले 50 नंबर में 25 ऑड और 25 इवन होंगे, राइट। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एस करूं, समेशन निकालू, तो एस 25 हो जाएगा क्योंकि ये 25 नंबर हो गए। अब एस एन का फॉर्मूला लगा लो, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 49, तो ये बन गया 25/2 और ये 1 प्लस 49 कितना हो गया, 50 हो गया। इसको 2 से कैंसिल किया तो 25 × 25 कितना हो गया, 625 हो गया। क्लियर है क्या? नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये पीडीएफ में नहीं आएगा। यह दिव्यांश अब 18 पे ही जाऊंगा। एटीन में तो आई थिंक बहुत लोगों को कंफ्यूजन आया होगा। अंकित नोट कर लिया क्या? ओके एटीन में दिया हुआ है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 2 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। ओके अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा पहला स्पाइरल है, ये जितने भी यहाँ पे स्पाइरल्स दिख रहे हैं, L1, अगर मैं बात करूँ L1 का, तो L1 is a semicircle ऑफ R कितना, 0.5। फिर अगर हम बात करें L2 का, L2 के लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेडियस बढ़ गया। जैसे जैसे अगला अगला राउंड आ रहा है तब L2 क्या होगा, L2 भी एक सेमी सर्कल है, L2 भी एक सेमी सर्कल है, लेकिन उसका रेडियाई क्या है, 1। फिर बात करते हैं L3 का, L3 क्या है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ऑफ R 1.5। बोलो पहले इतना समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज अगर हम L1 की बात करें तो L1 हमारा यहां से लेके यहां तक है ना, अगर L1 की बात करोगे तो यहां से लेके यहां तक, फिर हम L2 की बात करें तो L2 हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, फिर L3 की बात करोगे तो L3 हो जाएगा कहीं ना कहीं यहां से लेके यहां तक, फिर L4 की बात करोगे तो वो हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। तो इस तरीके से ये चेंज हो रहा है, ओके इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। और अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल द लेंथ, लेंथ पूछा गया सब कुछ, नीचे आपको हिंट भी दिया हुआ है। सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितना हो जाएगा, ये हो गया कहीं ना कहीं L1 प्लस L2 प्लस L3
इस तरीके से चल रहा है। कितने स्पाइरल्स दिए क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है 13, है ना, क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है, तो ये कहां तक चलेगा? ये 13 तक चलेगा। अच्छा, अब एक बार स्पाइरल की वैल्यूज लिखते हैं। तो पहला स्पाइरल सेमी सर्कल है, कहीं ना कहीं इसमें क्या मैं ये कह सकता हूँ सेमी सर्कल का पेरीमीटर बात हो यूज हो रहा है यहाँ पे। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो आ रहा है, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई टाइम्स ऑफ आर वन, क्योंकि ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2πr, तो सिंपल πr हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाई इंटू पाई इंटू 0.5, क्योंकि उसका रेडियस है 0.5। r2 की बात करेंगे तो क्या होगा? पाई इंटू 1। R3 की बात करोगे तो क्या होगा? पाई इंटू 1.5। और ऐसे ही करते करते L13 की अगर हम बात करें तो L13 क्या होगा? पाई इंटू 6.5। तो अगर आप हर जगह पाई कॉमन ले लेते हो, हर जगह पाई कॉमन ले लेते हो, ब्रैकेट में क्या आएगा? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 डॉट डॉट टेल 6.5। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये सम ऑफ एपी जैसा फंडा लग रहा है? बिकॉज ये एक एपी हो रहा है जहां पे 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो n by 2 मतलब 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे हो रहा है 7। कहीं ना कहीं आपका दिस विल बी योर अप्रोक्सीमेट आंसर। थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफिकेशन बच गया, बट आई थिंक द आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। पिंकी एंड दिव्यांशु, ये आपका डाउट था, इज इट क्लियर? ठीक है, एकदम लॉजिकल फंडा था। पहला स्पाइरल एक सेमी सर्कल है, अगला स्पाइरल सेमी सर्कल है, हर एक स्पाइरल एक सेमी सर्कल था, और वहां पे उसका रेडियस 0.5 करके बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 0.5 करके बढ़ते जा रहा है। चलिए, इसके बाद 20। में बोल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस कम है वैसे इसके आने के, बिकॉज ये ट्रिक मुश्किल हो जाता है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 meters अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो ये आपका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meters अपार्ट। तो आप देख सकते हो पहला वाला यहाँ है, उसके बाद 3-3 का गैप में चल रहा है। There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Okay. तो यहाँ पे आपको सबसे एक-एक करके सोचना पड़ेगा, ठीक है? रश्मि उठ के पढ़ाई कर लो। व्हाट नॉनसेंस यार। रिमूव्ड। सो हाँ, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पोटैटो। अब देखो स्टूडेंट, आप यहाँ पे अब देखो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे है ना कि क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, तो इंग्लिश इंग्लिश का यहाँ पे खेल आएगा। उसके बाद आपको सोचना है कि जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अब जो सबसे पहला पोटैटो रखा हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 meters दूर रखा हुआ है, तो आप पहले क्या करोगे?
आप पहले यहां से यहां तक गए, पोटैटो उठाया, फिर आप यहां से वापस आ गए, तो आपने इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर को दो बार ट्रेवल किया ना, पहले आप गए 5 मीटर के लिए और फिर आप आए वापस, तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 2 × 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंड पोटैटो के लिए देखिए, पहला तो उठ गया, आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, अब सेकेंड पोटैटो कहां पे है? जो 3 मीटर वाला, यहां पे। तो यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो यहां से लेके यहां तक ये वाला वैल्यू था 5 और इसके आगे था 3, तो 5 + 3 = 8, मतलब कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड पोटैटो की तरफ गए तो आपने 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर क्या हुआ? आप टर्न बैक किए, टर्न बैक करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आए हो, तो अब आपने कितना ट्रेवल किया? 8 मीटर जाने में, 8 मीटर आने में, तो 2 × 8 हो गया, ठीक है, 2 × 8 हो गया। उसके बाद मतलब 5 × 2 अपना 10 हो गया, 2 × 8 अपना 16 हो गया। अब आ जाइए थर्ड के लिए, आई थिंक और एक करने के बाद आपको आइडिया हो ही जाएगा। थर्ड वाले में क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट से आप इस बार पहुंचे हो यहां पे, तो यहां तक 5, फिर यहां इतना 3 और फिर इतना 3, तो 5 + 3 + 3 कितना हो गया? 11 मीटर। तो 11 मीटर आगे गए, पोटैटो उठाया, फिर 11 मीटर वापस आए, तो अब ये कितना हो गया? 11 × 11, 2 × 11, दिस इज 22। सो पिंकी दिख रहा है ये चीज? पिंकी ऑर्डर दिख रहा है क्या? पहले 10 मीटर ट्रेवल हुआ, फिर 16 मीटर ट्रेवल हुआ, फिर 22 मीटर ट्रेवल हुआ, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरीके से आपने 10 पोटैटोज उठाए, आपने 10 पोटैटोज उठाए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10/2, n by 2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 हो गए, ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए मतलब 2 × 10, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 हो गया 9, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 6 है, 6 का कॉमन डिफरेंस है, सो 2 × 10 + 9 × 6 हो गया, तो ये आपका 10/2 5, यहाँ पे 20 + 54, 74 हो गया, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आधा कर दो, 37, 370 हो गया, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। आई होप दिस इज क्लियर पिंकी, आप ही का डाउट था इस क्वेश्चन में वैसे। डन, ग्रेट। तो अभी दिया नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क कहां से दिया था? आरएस अग्रवाल ना, ओके, तो एक बार मेरे को आरएस अग्रवाल ओपन कर लेने दो। पेज नंबर बताना आरएस अग्रवाल में। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 39 तक था ना, 8 से लेके 30 तक था। ओके, तो कहां कहां पे प्रॉब्लम हुआ है? अच्छा, एक फायदा तो आपको दिख गया होगा कि बोर्ड्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिकॉज ये मैंने क्वेश्चन चूज भी वही वाले किए थे जो बोर्ड्स में आ रहे थे, तो ये सारे साइड में आपको दिख भी रहा है पास्ट ईयर क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के घबरा गए। चलो बताओ कहां पे दिक्कत हुई है। किस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है? पहले मेरे को बताओ 8 से लेके 15 के बीच में, 8 से लेके 15 के बीच में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हो क्या? एक बार रेज हैंड करना कितने लोगों ने ये सॉल्व किया है। आरएस अग्रवाल, दिव्यांशु, पिंकी,
और कोई नहीं है, ऐसा क्यों? गाइस आप लोगों ने फिर बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, बहुत कम। Why is it that you guys have not solved the questions? This is not good, na? चलो दिव्यांशु एंड पिंकी बताओ आपके क्या क्या डाउट है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? अगर 12 पेज के बाद सबमिट नहीं हो रहा था तो आप उसको सेकेंड टाइम सबमिट कर देते ना, पार्ट पार्ट में 11 और 17, ठीक है। How many terms of the AP 20, 19 1 by 3, 18 2 by 3? Question number 11, RS Agarwal. 20, 19, 1 by 3, 18, 2 by 3, इस तरीके से चल रहा है। तो पिंकी देखो, कहीं ना कहीं ये सिमिलर क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में देखा हुआ है, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है डबल आंसर के लिए, है ना? एक्सप्लेन द डबल आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि इनको ऐड करके 300 कैसे आ रहा है, इसको ऐड करके 300 आपसे पूछा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। तो इस एपी के कितने टर्म्स को ऐड किया जाए ताकि उनका सम मेरा 300 निकल कर आएगा। तो 20 प्लस 19 1 बाई 3 कितना हो जाएगा? तो वो आपका 58 बाई 3 हो जाएगा। फिर 18 2 बाई 3 कितना हो जाएगा? तो आपका 56 बाई 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर देखोगे पिंकी तो यहाँ पे 20 को भी हम 60 बाई 3 लिख सकते हैं, 20 को भी कहने के लिए 16 बाई 3 लिख सकते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसको कितना टर्म्स तक ऐड करेंगे। तो मान लीजिए कि इसको n टर्म्स तक ऐड करने के बाद, n टर्म्स तक जोड़ने के बाद हमारा सम आ रहा है 300, ठीक है? n टर्म्स तक ऐड करने के बाद हमारा सम आ रहा है 300। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, बट फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 60 बाई 3, मतलब 20 है वह। तो अगर हम d कैलकुलेट करेंगे तो d होता है a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 58 अपॉन 3, फर्स्ट टर्म इज 60 अपॉन 3। तो 58 अपॉन 3 माइनस 60 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहां से d का वैल्यू निकल कर आ गया। d का वैल्यू निकलने के बाद अब हमको क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम अगर सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो n by 2 twice a, तो 2 into 20 plus n minus 1 into d। अब d का वैल्यू यहाँ पे minus 2 by 3 है। ये सम किसके बराबर है? तो ये 300 के बराबर है। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे टू इंटू 20 हो जाएगा 40 ब्रैकेट, और ये मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया माइनस 2 बाई 3 एन प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू, अच्छा इनफैक्ट ये भी कह सकते हो कि ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे, इस 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेज दिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेज दिया, तो यहाँ पे 300 इंटू 2 बन गया। ओके नाउ अब ये अंदर का ब्रैकेट ओपन करते हैं, 40 प्लस 2 बाई 3 कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा मेरा 40 122 बाई 3। तो ये आपका 122 बाई 3 एन हो गया। उसके बाद ये आपका माइनस 2 बाई 3 एन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आया 600। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 3 आया फिर से, इस 3 को भी एलसीएम लेके राइट साइड भेज देंगे। हाँ, 3 को एलसीएम लेके राइट साइड भेज देंगे। तो 122 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर
is equal to 600 into 3 which becomes 1800. अब आप देख सकते हो कि पूरे को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 61n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 आएगा, इज इक्वल टू 900 आएगा. और अब अगर हम सबको इक्वेशन के एक साइड ले आए n स्क्वायर का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए, तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कुछ ap नहीं चल रहा है, क्वाड्रेटिक को मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ. अब क्वाड्रेटिक को यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे आ गया 36 और 25, 36 और 25, राइट. सो एन स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0. अब पहले दो टर्म्स में अगर हम कॉमन लेते हैं तो n माइनस 36 ब्रैकेट में आएगा, फिर यहां पे अगर कॉमन लेंगे तो अगेन n माइनस 36 ब्रैकेट में आ जाएगा. तो यहां से फाइनली n के दो वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं. एक आएगा, नाउ इट इज n माइनस 25 into n minus 36 is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास n की दो वैल्यूज आई, n का वैल्यू 25 आया है और फिर n का वैल्यू 36 आया है. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डबल आंसर, है ना, आपसे डबल आंसर पूछ रहा है. दिव्यांशु क्या एक्सप्लेन कर सकते हो डबल आंसर क्यों आया? अच्छा पीयूष एक बार अनम्यूट करना. तो पीयूष आपने क्यों नहीं सबमिट किया फिर? ये फिर से आपका यही चुटला है. यस सर. आपने आर एस अग्रवाल क्यों नहीं बनाया? सर आर एस अग्रवाल से 3 क्वेश्चन सबमिट किए थे, उसके बाद नहीं किए थे. क्यों नहीं किया थे? शनिवार के दिन में हमारा क्लास खत्म हुआ, आज बुधवार है, बीच में आपको 3 दिन मिला. यस सर. उसके पहले के होमवर्क्स आपने सबमिट नहीं किए हैं. यहाँ सर 5.2 कर दी. 5.2 किया. 5.3 में अभी आपने ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए. अभी फिर क्या मैं आपके घर पे फोन करके बताऊं? मैंने 24-25 क्वेश्चन दिए थे इस एक्सरसाइज से और आपने उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए. अभी यहाँ पे क्या होगा पीयूष, और ये बाकी लोगों के लिए भी है एक्सेप्ट पिंकी एंड दिव्यांशु, ये जो टॉपिक है ये आज यहीं पे खत्म होगा, ठीक है? तो अब आप में से बाकियों का जो भी डाउट है, आई विल नॉट डिस्कस एनी ऑफ योर डाउट्स. ये आज जो क्लास है एपी की आखिरी क्लास होने वाली है, ठीक है? मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, इतना टाइम मिला है आप लोगों को. अंकित का चलो मेरे को जेन्युइन रीजन पता है, ठीक है, घर में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हुए हैं, बट इसके अलावा बाकी में से आई डोंट थिंक कि किसी ने मेरे को इन्फॉर्म भी किया पहले, तो मेरे को क्या दिक्कत है. मुझे अगर मैंने पहले भी आपको लोग तो मैंने अपना फंडा बताया, क्लास में अगर 2 स्टूडेंट भी होंगे मैं उन 2 को भी पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है. द ओनली थिंग इज वो 2 सीरियस होने चाहिए. अगर ये 2 भी नहीं होते तो मैं क्लास को यहीं पे एंड कर देता और मैं मजे करता भी, ठीक है? और अगले 10 दिन तक 15 दिन तक मैथ्स की क्लास सस्पेंड कर देता. घर वालों की तरफ से फोन आते फिर मैं घर वालों को बताता आपके, एंड ट्रस्ट मी आई कैन डू दिस. तो इसको एज अ वार्निंग लेना है, वार्निंग ले लो, बिकॉज मैं 15 दिन अगर क्लास बंद करने पे आ गया तो यहाँ पे सौरव इज द सेंटर हेड एंड मी एंड सौरव वी मैनेज टुगेदर, तो इवन वो भी इस स्पीच पे कुछ नहीं बोलेगा. दिस विल बी अ पनिशमेंट टू एवरीवन. आप ही का सिलेबस पीछे होगा, मुझे क्या दिक्कत है यार.
यस दीपांशु सर सर डबल इंटीग्रल से इसलिए आता है क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं नहीं ये लेकिन देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इंक्रीजिंग एपी है कि डिक्रीजिंग एपी है डिक्रीजिंग राइट तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ टर्म्स के बाद हो सकता है नेगेटिव टर्म्स आए यस सर राइट तो इसका डबल आंसर का रीजन जानते हो क्या है इसका डबल आंसर का रीजन यही है कि जब आपने इसको ऐड करना शुरू किया पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म ऐसे करते करते जब आपने पहले 25 टर्म्स को ऐड किया तो आपके पहले 25 टर्म्स के तो सम आ गया 300 लेकिन सम फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स 26वें टर्म से लेकर 36वें टर्म तक क्योंकि एक से लेकर 25 तक का एडिशन था 300 अब 26वें टर्म से लेकर 36वें टर्म तक का जो सम है वो जीरो होगा क्यों जीरो होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हो तो आपको दिखेगा कि 26 और 36 के बीच में कहीं पे आ रहा होगा जीरो 26वां टर्म पॉजिटिव है 36वां टर्म नेगेटिव होगा बीच में कहीं पे जीरो आ रहा होगा तो बेसिकली जब हम 26 टर्म 27 28 26वें टर्म से लेके 36 टर्म तक का जब एडिशन करेंगे ना वो एडिशन आ रहा होगा जीरो तो आप खुद सोचिए कि पहले 25 टर्म का सम है 300 और फिर 26 से लेके 36 तक का सम है जीरो तो उसके कारण पहले 36 का सम कितना बन जाएगा 300 ही रहेगा ठीक है पिंकी पूछ रही है कि सर बट हाउ यू नो पिंकी द रीजन इज मुझे दिख रहा है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ना कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है इसका देख रहे हो ना कॉमन डिफरेंस -2/3 है तो पहला टर्म है 20 फिर आया है 19 पॉइंट समथिंग फिर 18 पॉइंट समथिंग तो डेफिनेटली जब हम इसको इस तरीके से आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो वैल्यू एक पॉइंट पे जीरो भी होगी और आगे लेकर जाओगे तो वैल्यू नेगेटिव भी होगी है ना तो आप खुद ही सोचिए कि जब वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे वहां पे जिनका एडिशन पॉजिटिव नेगेटिव के कारण वो बैलेंस हो गया जीरो हो गया होगा ठीक है हाँ सर जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करें तभी तो दो आंसर आता है लेकिन लेकिन आप क्वाड्रेटिक देखो अगर मैं बात करूं जो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है क्वेश्चन नंबर 4 ये जो पीयूष ने पूछा था अगर वो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगाते हो तो शायद यहाँ पे आपको डबल आंसर नहीं मिलेगा हर जगह क्वाड्रेटिक में डबल आंसर देखिए दिव्यांशु डबल आंसर मिलने का मतलब क्या है हो सकता है कि आपको एन का एक वैल्यू पॉजिटिव आए एक वैल्यू नेगेटिव आए तो नेगेटिव वैल्यू तो आप वहां पे उसी वक्त इग्नोर कर दोगे क्योंकि एन नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन अगर आपके एन के डबल आंसर आए और दोनों ही पॉजिटिव आए तभी ना हम बात कर रहे हैं जैसे आप अगर यहां पे सॉल्व करोगे यहां पे आपको एन का एक वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव और एक वैल्यू मिलेगा नेगेटिव तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव वैल्यू हम एलिमिनेट कर देंगे लेकिन इस केस में क्या हो रहा है इस केस में एन के दोनों वैल्यूज आए हैं और दोनों पॉजिटिव आए हैं दोनों पॉजिटिव आए हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा और ये हमेशा सिर्फ देख लेना कब आएगा ये चीज सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आएगा जहां पे आपका एपी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ठीक है ना तो ऐसा नहीं कि हमेशा डिक्रीजिंग के केस में होगा इंक्रीजिंग में भी हो सकता है मान लो अगर नेगेटिव पहला टर्म नेगेटिव है दूसरा टर्म नेगेटिव तो कुछ नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव पे जा रहे हो तो वहां पे भी चांसेस है कि हमारा डबल आंसर आएगा ओके क्लियर है हाँ पिंकी क्लियर है क्या फंडा ग्रेट चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा बोले थे सेवनटीन ठीक है 17 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 13 तो ये क्वेश्चन तो दिव्यांशु सिमिलर क्वेश्चन किए हुए हम लोग सबसे पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है 100 होता है तो आप क्या कीजिए 100 को 13 से डिवाइड कीजिए 13 7 का 91 आएगा है ना सर 19 से नॉट 13 नहीं 19 19
फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 4-1/n 4-2/n 4-3/n एंड सो ऑन. चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये, देख सकते हो आया हुआ है, सीबीएसई का क्वेश्चन है वो, तीन साल चार साल पहले का क्वेश्चन है बस. तो सवाल हमसे ये पूछा ना कि n टर्म्स तक एडिशन करना है. अब आपको देखिए कि ये मेरा कहीं ना कहीं a1 होगा, ये मेरा कहीं ना कहीं a2 होगा, ये मेरा कहीं ना कहीं a3 होगा, और इस तरीके से एडिशन की बात हो रही है. सबसे पहला सवाल अगर आपसे पूछूं दिव्यांशु, तो ये बताइए कि क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे 4 को अगर देखोगे तो 4 कितना बार 4 आएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि n टाइम्स 4 आएगा, क्योंकि हर एक टर्म में 4 दिख रहा होगा, राइट? उसके बाद आ जाओ -1/n -2/n. अगर हम वहां पे माइनस कॉमन ले ले, तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, 1/n + 2/n + 3/n, ये इस तरीके से चल रहा होगा. अगर हम यहां बात करें तो 4 को अगर n टाइम्स ऐड करें तो सम कितना हो जाएगा, 4n. और यहां देखो तो यहां अगर आप 1/n कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में क्या होगा, 1+2+3+ कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा. अब ये देखिए, ये अंदर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बन रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बन रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, n(n+1)/2. सो n कैंसिल, ठीक है, ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो 4n माइनस ये आपका n+1/2 हो गया. एलसीएम ले लोगे तो 2 का एलसीएम आएगा, यहाँ पे 8n - n+1, और इसी से आपका आंसर आ जाना चाहिए 7n - 1/2. ओके, बेसिकली 4 जो है हमने हटाया, अलग अलग कर दिया, तो n टाइम्स आया. 4 को हमने हर एक टर्म से 4 को निकाल दिया, +4 + +4 + +4 कितना बार +4 हो रहा था, n टाइम्स हो रहा था. फिर हमने क्या किया, हम आ गए कहाँ पे, हम आ गए सेकेंड टर्म पे, सेकेंड वाले पे, 1/n 2/n 3/n 4/n. वहां पे हमने क्या किया, वहां से हमने 1/n को बाहर निकाल लिया, 1/n को बाहर निकाल लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1+2+3 करते करते n तक. तो ब्रैकेट के अंदर अब जो दिख रहा है वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है. तो n(n+1)/2, और फाइनली n कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, एंड वी गेट द आंसर. ये पीडीएफ में रहेगा, ये मिल जाएगा आपको. इसके बाद बताना अगला, और कहीं पे दिक्कत पिंकी, और कहीं पे दिक्कत, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है. अगर पिंकी का डाउट नहीं होगा देन आई विल स्टार्ट टेकिंग योर डाउट्स फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री. ओके, पिंकी का भी कोई डाउट नहीं है, ग्रेट. सो ठीक है, फिर एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी लोग लीव कर सकते हो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. दिव्यांशु आप अपना डाउट बताइए. सर, कंसीडर अ ट्रायंगल ACB. एक मिनट, हाँ बोलो. कंसीडर अ ट्रायंगल ACB. राइट एंगल एट सी इन विच AB इज इक्वल टू 29. एक मिनट रुको, तो मैं इसको बना ही लेता हूं. यहाँ पे सी है, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, राइट एंगल एट सी. उसके बाद AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स. AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स. BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स. ओके, तो ये 20 हो गया. फिर एंड ACB इज इक्वल टू थीटा. कौन सा, ACB? ABC कह रहे हो क्या? सर, ABC is equal to theta. Determine the value of cos theta plus sin square. One आ रहा है ना उसका आंसर तो, right? Answer cos square theta minus sin square.
अच्छा माइनस है यहाँ पे। चलिए आपको ये याद है कॉस थीटा क्या होता है? यस सर। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम यहाँ पे बेस देखेंगे कॉस थीटा के लिए, तो थीटा किस पे लाई करा? बीसी पे लाई करा, तो बीसी अपना यहाँ पे बेस हो जाता और हाइपोटेन्यूस 29 है। अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर यहाँ पे 21 है, 29, ठीक है। सो अब अगर आप इन वैल्यूज को खाली यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये आपका 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में तो 29 का स्क्वायर ही रहने वाला है एलसीएम के फॉर्म में, ऊपर आपका 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो ऊपर हमारे पास बन गया माइनस 441 और नीचे 841, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज 41 तो एक प्राइम नंबर है और 841 डिवाइड नहीं हो रहा। क्लियर है क्या? बस यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, खत्म। अच्छा ये दिया हुआ था क्या? ये दिया हुआ था क्वेश्चन में? यस सर दिया हुआ था। ये दिया हुआ था, ओके। तो ये जब दिया हुआ था तो बस हमने कॉस थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला ट्रायंगल में से, और फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, एक्सप्रेशन में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, यू गेट द आंसर। और कहां पे दिक्कत? एक मिनट। हाँ यही था, ओके। सो ठीक है, फिर इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे, मिलते हैं उस दिन।